फ्रेंड्स, ईशा's किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मेदू वड़ा। ये साउथ इंडियन का बहुत ही पॉपुलर ब्रेकफास्ट है। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसे हम उड़द दाल से बनाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं मेदू वड़ा कैसे बनाए। मेदू वड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बॉल उड़द धुली दाल ली है, बिना छिलके वाली। ये हमने एक बॉल दाल ली थी, जिसको हमने दो पानी अच्छे से धो के इसे 4 से 5 घंटा भिगो के रखा था, और उसके बाद हमने इसके पानी को निकाल दिया था। आधा चम्मच जीरा लेंगे, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच राइस फ्लावर है, ये चावल का आटा है, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है, 2 हरी मिर्ची ली है जिसको हमने चॉप कर लिया है, 1 चुटकी हींग लेंगे, 10 से 12 पत्ते हमने करी पत्ते के लिए हैं जिसको हमने छोटे छोटे कर लिया है। सबसे पहले हम दाल को मिक्सी के पॉट में डाल के इसे पीस लेंगे, और पानी इसमें कम से कम यूज़ करेंगे। हम इसमें 1 टेबल स्पून ही पानी का यूज़ करेंगे। अगर आपकी दाल इसमें ना पीसे तो थोड़ा सा ही पानी ऐड करें, इसमें ज़्यादा पानी ऐड ना करें दाल को पीसते वक्त। इसमें बैटर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हमें मेदू वड़ा बनाने के लिए। ये हमने दाल को मिक्सी में पीस के इसका पेस्ट तैयार कर लिया है और इसे बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब यहाँ पे हम एक बीटर लेंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। इस पेस्ट को हमको तब तक फेंटना है जब तक कि ये लाइट ना हो जाए और फ्लफी ना हो जाए। इसे हम लगातार फेंटेंगे, इससे जो हमारा पेस्ट है वो अच्छा फ्लफी हो जाएगा, और उसके बाद हम सब चीज़ों को ऐड करेंगे। ये हमारा बैटर काफ़ी फ्लफी हो चुका है। अब हम इसमें बाकी सब चीज़ें ऐड करेंगे। आप देख सकते हो कितना फ्लफी दिख रहा है ये। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, ये एज पर टेस्ट रहेगा, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्ची ऐड करेंगे, राइस फ्लावर ऐड करेंगे, चावल का आटा, हींग ऐड करेंगे, करी पत्ता ऐड करेंगे, और इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बैटर अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब एक बॉल में हम पानी लेंगे और दोनों हाथों को पानी से गीला कर लेंगे ताकि जो बैटर है वो हमारे हाथ में चिपके नहीं, और स्पून से जितना बड़ा हमको मेदू वड़ा बनाना है उतना मिक्सर ले लेंगे। इस तरीके से वैसे हम फ्लैट कर लेंगे राउंड शेप में, और इस तरीके से हम अपने वड़े को बना लेंगे। और इसी तरीके से हम सारे मेदू वड़े बनाएंगे, और इसे तुरंत ही हम ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे। वड़ों को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे ऑयल को गरम कर लिया है। अब हम इसमें वड़े ऐड करेंगे और इसी तरीके से बाकी वड़ों को भी हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल में। इन वड़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और इसे बीच बीच में फ्लिप करते रहेंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे गोल्डन ब्राउन हो जाए, और गैस की फ्लेम हम मीडियम रख के ही इन्हें फ्राई करेंगे। ये वड़े हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये बहुत ही अच्छे बने हैं। इसी तरीके से हम सारे वड़ों को फ्राई कर लेंगे। ये हमारे मेदू वड़ा बनके तैयार है। इसे सांभर वड़ा भी कहते हैं। आप भी इसे गर्मा गर्म सांभर के साथ या नारियल चटनी के साथ सर्व करें। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और एज अ लंच भी ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो आप भी इसे अपने घर में एक बार बना के जरूर ट्राई करें। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।